दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आखिर बच्चन बहू ऐश्वर्या को बच्चन बहू के तौर पर क्यों नहीं अमिताभ दिल से स्वीकार कर पाए थे। अमिताभ ने खुद से तो कभी नहीं कहा, लेकिन जया को एक बार इस पर चुप्पी तोड़नी पड़ी थी। 2007 20 अप्रैल को ऐश्वर्या अभिषेक की शादी खुशी खुशी कराने वाले अमिताभ को क्यों नहीं मंजूर था कि वो अपनी बहू ऐश्वर्या को बहू कहे। वजह इसकी बहुत ही खास है दोस्तों, और आप सबको वाकई में जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों अमिताभ के साथ भी ऐश्वर्या की अनबन की खबरें तेज़ हैं। आखिर अनबन हो किस बात के लिए, जब इतना प्यार था परिवार में, लोग थोड़े से हैरान भी हैं। खैर, अमिताभ की जो फीलिंग थी ऐश्वर्या को लेकर, इस पर जया ने डिटेल में बात की थी। उनका वो स्टेटमेंट वायरल हुआ है जिसमें उनका कहना है, अमिताभ ने ऐश्वर्या को कभी बहू नहीं स्वीकारा, उनके बीच का स्पेशल बॉन्ड ही ऐसा था। जी हाँ, जया ने कॉफ़ी विद करण शो में अपीयर होने पर ऐश्वर्या के रिलेशनशिप पर बात की थी और बताया था कि क्यों आखिर अमिताभ ने ऐश्वर्या को बहू नहीं स्वीकारा। अमिताभ बच्चन की जिंदगी में एक खालीपन श्वेता के जाने के बाद था। जया बच्चन ने कहा करण जौहर से कि जब उनकी बेटी श्वेता की शादी हुई 1997 में 90 के दशक में, तब अमिताभ बहुत अकेले पड़ गए थे। सुनने में ये भी आता है कि अमिताभ वाकई में अपनी बेटी की शादी उस वक्त कराने के लिए राजी नहीं थे। वो इस शादी में बहुत खफा थे। वो अपनी बेटी को घर से इतनी जल्दी विदा करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन निखिल नंदा के टैलेंट से इतनी इंप्रेस थी जया बच्चन कि उन्होंने मन में बैठा लिया था कि दामाद अगर वो उतारेंगी तो वो निखिल नंदा ही होंगे। उनकी बेटी के लिए निखिल नंदा से बेटर चॉइस तो कोई हो ही नहीं सकता। इसे लेकर जया और अमिताभ में बात नहीं बन रही थी। अमिताभ ने बचपन वाली जिद लगा रखी थी कि वो अपनी बेटी को घर से विदा नहीं करना चाहते, लेकिन जया को उन्हें समझाना पड़ा था, काफी तेल लगाने पड़े थे। यहाँ आपको हमारे इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन श्वेता बच्चन की शादी के वक्त तो काफी बुरी तरीके से लड़ भी पड़े थे। श्वेता ने इंटरव्यू में बताया था अमिताभ जया में लड़ाई का कारण ही श्वेता की शादी थी। दोनों में तो बातचीत तक बंद हो चुकी थी शादी के वक्त। ऐसे में श्वेता के जाने से अमिताभ भला कैसे जया बच्चन के साथ रहते होंगे, अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। लेकिन फिर अमिताभ की जिंदगी में उस खालीपन को भरने के लिए आई ऐश्वर्या राय बच्चन, जिन्हें घर की बहू के रूप में तो बच्चन परिवार ने स्वीकार किया, लेकिन अमिताभ ने हमेशा ऐश्वर्या को वो जगह देना चाहा जो उनकी बेटी श्वेता बच्चन की थी, उतना प्यार देना चाहा जो वो अपनी बेटी श्वेता से करते थे, और उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की। उन्होंने ऐश्वर्या को कभी भी बहू के रूप में देखा ही नहीं। जया ने कहा ऐश्वर्या को अमिताभ ने हमेशा अपनी बेटी के रूप में देखा। वैसे तो फिल्म मोहब्बतें में मेघा नाम का जो किरदार ऐश्वर्या का था, वो अमिताभ बच्चन की बेटी रायचंद की बेटी के तौर पर ही नजर आई थी। ऐसे में रील को रियल बनाने का सपना जो 2000 में देखा होगा अमिताभ ने कि मोहब्बतें में उनकी बेटी बनी ऐश्वर्या मिसवल, वो असल जिंदगी में उनके घर आए, तो वो सपने 2007 में पूरे हुए। लेकिन ऐश्वर्या को हमेशा एक बेटी के रूप में देखने वाले अमिताभ ने अपनी बेटी की जगह ऐश्वर्या को श्वेता की जगह दे भी दी थी, काफ़ी हद तक कहा जाता है। अमिताभ बच्चन की आंखें चमक जाती थी ऐश्वर्या को जो वो अपनी नज़र के सामने देखते, ऐसा कहना था जया बच्चन का कि वाकई में ऐश्वर्या की खूबसूरती के आगे ऐश्वर्या के ससुर जी वाकई में हैरान रहते थे और काफ़ी खुश भी होते थे, क्योंकि ऐश्वर्या का ना सिर्फ चेहरा खूबसूरत बल्कि व्यवहार भी बहुत खूबसूरत था। वो काफ़ी डाउन टू अर्थ थी, उनकी फैमिली को भी काफ़ी एजुकेटेड
माना था अमिताभ बच्चन ने। इसी वजह से शादी की जल्दी भी अमिताभ को बहुत थी ऐश्वर्या और अभिषेक की। खैर जया बच्चन का कहना था कि अपने घर पर अपनी बेटी का जो पायदान था, बेटी ने जो जगह बना रखी थी वो जगह ऐश्वर्या ने बनाई। अपने व्यवहार से अमिताभ को इम्प्रेस तो ऐश्वर्या ने पहले ही कर लिया था। दोनों ने स्पेशल बॉन्ड शेयर की थी क्योंकि दोनों ने कुछ फिल्मों में साथ ऑन स्क्रीन काम भी किया है, इसलिए अमिताभ ऐश्वर्या के क्लोज तो ऑलरेडी प्रोफेशनली थे। पर्सनली भी जब इनका रिश्ता पिता बेटी की तरह यानी ससुर बहू का जुड़ा तो अमिताभ की खुशी का ठिकाना नहीं था। स्पेशल डांस परफॉर्मेंस उनके शादी के मौके पर किया, शादी में तोहफे दिए, धूमधाम से शादी की। जया ने ये स्टेटमेंट दिया कि अमित जी जैसे ही ऐश्वर्या को देखते हैं मिनट भर में वो ऐसा महसूस करते हैं और ऐसा हमें महसूस कराते हैं मानो वो अपनी बेटी को देख रहे हैं और मानो श्वेता उनके घर आ गई हो। वो पूरी तरह से खुश हो जाते हैं और हमेशा ऐश्वर्या श्वेता के जाने के बाद की जगह हमारी ज़िंदगी में ले, यही हमारी उनसे उम्मीद है। जया बच्चन का ये भी स्टेटमेंट में कहना रहा है, एक बार नहीं कई बार। और ऐसे में आपको बता दें हमारे इस रिपोर्ट में जया बच्चन को लेकर अगर बात की जाए तो वाकई में फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जया, जो कि बोल्डली बयान देती हैं चाहे अखबार हो या फिर कोई न्यूज़ चैनल। हाल ही में राज्यसभा सांसद में जया अमिताभ बच्चन के नाम से पहचान बनने पर आवाज़ उठाते नजर आई कि महिलाओं की अपनी पहचान नहीं क्या। तो यहाँ आपको बता दें स्टारडस्ट मैगजीन को जया बच्चन इंटरव्यू में बताया था कि उनकी बहू परफेक्टली फैमिली में फिट हो चुकी हैं और बहुत ही अच्छी माँ है ऐश्वर्या, बहुत ही खूबसूरत बहू हैं वो। इंडस्ट्री में इतनी बड़ी एक्ट्रेस होने के बावजूद फैमिली वैल्यूज़ को वो हमेशा बढ़ावा देती हैं। जया बच्चन का ये कहना है कि बहुत ही स्ट्रांग वुमेन है ऐश्वर्या। तो ये जो जया के मुंह से ऐश्वर्या के लिए तारीफ होते हैं कि वो अमेजिंग मदर हैं और अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखती हैं और सारे काम भी खुद के लिए करती हैं, इससे बेहतर ज़िंदगी में और क्या ही चाहिए। नेक्स्ट सबसे अच्छी बात ये है कि जया जो राज्यसभा सांसद में हंगामा करती हुई जमकर बोलती नजर आई अमिताभ बच्चन के नाम के साथ, उनके नाम जोड़े जाने पर जया अमिताभ कहलाने पर भड़क उठी। वो परिवार के मामले पर हमेशा पक्ष में खड़ी रहती है, चाहे अभिषेक हो, ऐश्वर्या हो, अमिताभ हो या फिर श्वेता। लेकिन हाँ, उनकी कमियां निकाल कर उनके साथ कड़क व्यवहार कर उन्हें सही राह पर भी जया ही लाना जानती है, इसलिए उन्हें हाउस बॉस ऑफ द हाउस, बॉस ऑफ बच्चन फैमिली कहा भी जाता है।